नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में तावुन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उमरा सर्विसेज, आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम मुंतखबा आज़िमीन हज 2024 को मैं इस बात की इत्तला दे रहा हूँ कि कल यानि बरोज़ हफ्ता 9 मार्च 2024 जामे मस्जिद बीदर में अंजुमन खादिमुल हज्जाज की जानिब से इस साल का पहला तरबियती इज्तिमा रखा गया है। आप तमाम लोगों से बिलखुसूस गुजारिश की जाती है कि आप हर हाल में सुबह 10 बजे तक जामे मस्जिद बीदर पहुंच जाएं। ये तरबियती कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, दरमियान में जोहराने का इंतज़ाम यहीं पर रहेगा। ये चूंकि पहला कैंप है इसलिए आप लोग इसकी तरतीब से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही बेहतर अंदाज में ये ट्रेनिंग कैंप होगा। मैं आप तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ, तमाम मर्द व ख्वातीन सारे के सारे लोग जो इस साल हज को जा रहे हैं, जो अपने अपने पैसे जमा करा दिए हैं, अगर किसी वजह से ये 3 दिन तातीलात की वजह से कोई अपनी दूसरी किस्त या नए जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट के, वो लोग अपनी किस्त अदा करने में ताखिर हो गई है, तो भी वो सारे लोग इस तरबियती कैंप में ज़रूर ब ज़रूर शरीक रहें। साथ ही साथ अंजुमन खादिमुल हज्जाज के तौर पर जो अहबाब मुंतखब में हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो और इस सेंट्रल हज कमेटी से नामजद करदा फील्ड ट्रेनर्स सभी इस तरबियती कैंप में आए। बेहतरीन तौर पर पहला तरबियती कैंप कल इंशाल्लाह बरोज़ हफ्ता आमद रमज़ान से कबल ये कैंप होगा, ताकि आप तमाम लोगों को एक तरह से ट्रेनिंग भी हो जाएगी और रमज़ान में आप लोग अपने शब रोज़ किस तरह से गुजारें और जो जो आपको जो है ना आमाल करनी है वो सारी बातें कल इस ट्रेनिंग कैंप में आप लोगों को बताई जाएंगी। गुजारिश है कि कल सुबह 10 बजे आप तमाम लोग, सारे ज़िले के लोग, वो चाहे बसवा कल्याण के हों, भालकी के हों, हुमनाबाद चिटगुप्पा के हों, औराज के हों, कमाल नगर के हों या कहीं के भी हों, वो सारे के सारे लोग कल ज़रूर बज़रूर सुबह 10 बजे यहाँ पर हाजिर रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।